हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा करंट अफेयर्स 2020। इसमें आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स की छोटी से छोटी और इम्पोर्टेंट नॉलेज मिलेगी, ताकि जितने भी एग्ज़ाम हैं आप उसको क्लिक कर सकें। और वैसे भी आज की डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन चुका है वो है करंट अफेयर्स। चाहे आप इसको कभी भी नोट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको मैक्सिमम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं या यूट्यूब पे आपको चैनल मिलेंगे वो इसको पीडीएफ फाइल में इसको सेल भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ये। तो जरूर देखिए और समझिए इसको, और आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, देन कमेंट मी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से। हाँ जी, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसके जो ऑप्शन है वो है रघुराम राजन, उर्जित पटेल, और डी सुब्बा राव, और सी रंग राजन। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इसका जो आंसर है वो हमारे जो गवर्नर रह चुके हैं, यस, वो है हमारे कौन, सी रंग राजन। डी आंसर इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोविड-19 के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय रहा। इसमें चलते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर रहेगा दिल्ली। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर डे, हर वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये इसका जो आंसर है यह है ऑप्शन ए, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इसे हम सेलिब्रेट करते हैं ईच ईयर। फिर चलते हैं हम इंटरनेशनल एस्टीरॉयड डे, ये जो एस्टीरॉयड डे है इसको हम कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कब ये मनाया जाता है? तो इसकी बात की जाए तो ये मनाया जाता है हमारा 30 जून। जी हाँ, ये 30 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला कवक पार्क बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, उत्तराखंड, हमारा यूके, इंडिया का यूके, नॉट यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड, यस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सिक्स। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी मॉरियो गोमेज ने फुटबॉल से संन्यास लिया, वह किस देश से संबंधित हैं? तो इसकी बात की जाए तो मारियो गोमेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, ये है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एंड केरल। तो इसका जो सही जवाब है, जहां पर आपको कोरोना के सबसे ज्यादा केस देखने को मिले थे, जी हाँ, यहां पर हम बात करेंगे ऑप्शन ए, महाराष्ट्र की। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में किसे बैट पुरस्कार 2020 मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं बैट प्राइज की, तो ये है बियोन्से। जी हाँ, अब बियोन्से के बारे में आपको मैं हल्का सा बताता हूँ, पहले इससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर होगा सी, बियोन्से। अब बात की जाए बियोन्से की, जी हाँ, ये अफ्रीकन अमेरिकन, ये जो प्राइज है बैट प्राइज, ये सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकियों को ही दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये 38 ईयर्स ओल्ड पर्सन है, और इन्होंने कोविड-19 के लिए काफी काम किया, राहत कार्यों के लिए काफी काम किया। तो ये है, और सबसे बड़ी बात, ये कौन है, प्रोफेशन से एक पॉप स्टार है ये, जी हाँ, तो इन्हीं को ये प्राइज इस बार दिया गया। अभी अभी हाल ही में आयरलैंड के पीएम कौन बने हैं? आयरलैंड के जो पीएम बने हैं, ऑप्शंस हैं हेमराजिन स्वामिन की, माइकल मार्टिन या जॉर्डन क्लार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, माइकल मार्टिन।
जी हाँ, माइकल मार्टिन है इसका बिल्कुल सही जवाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर साल कब मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए, 29 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ड्रोन से जो लोकस्ट को कंट्रोल करने वाला दुनिया को पहला देश बना है? जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से जो टिड्डियों के दल ने, वो हमारे पड़ोसी देश की बात करूं पाकिस्तान की, या बात करूं हमारे इंडिया की, या बात करूं मैं पास चलते ईरान की, किस तरीके से इन्होंने कोहराम मचाया। लेकिन हाल ही में फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने इसके लिए स्पेशल ड्रोन के जरिए इन पे काबू पाने की सोची, नियंत्रित करने वाला? वो है फर्स्ट ऑफ ऑल बी, ऑप्शन बी, इंडिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा, अभी अभी जो नासा है उसका मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? जी हाँ, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये ऑप्शन है आपका एलन स्टॉफन, माइकल डी ग्रिफन, मैरी डब्ल्यू जैक्सन या जेम्स हैंसन। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। अब कौन है मैरी डब्ल्यू जैक्सन? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेलिंग यू अबाउट द वॉशिंगटन डीसी। जी हाँ, आपको पता होगा टोटल 50 जो स्टेट हैं वो यूएसए में, टोटल 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टार को इन द यूएसए फ्लैग, दैट्स वाई वहां पर हमको 50 स्टार मिलेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि वॉशिंगटन डीसी वो कौन से स्टेट में, तो है वो मैरीलैंड में। अगर मैं मैरीलैंड की बात करूं, देखो यहीं से मैरी डब्ल्यू जैक्सन की बात आई, तभी मैंने आपको मैरीलैंड के बारे में बताया। अभी अब मैरीलैंड जो मैरी डब्ल्यू जैक्सन है, इनके नाम पर नासा का नाम जो है वहां पर, जो एरोस्पेस जो बहुत बड़ी है ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की, इसका नाम चेंज कर मैरी डब्ल्यू जैक्सन रख दिया गया है। अब बात आई जो मैरी डब्ल्यू जैक्सन, वो थी कौन? अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ी मैथमेटिशियंस और एरोस्पेस इंजीनियर थी वहां की, और फर्स्ट फीमेल थी हु ज्वाइन नासा, और 2019 में इनको कांग्रेसनल गोल्ड मेडल दिया गया। जी हां, इसीलिए चर्चा का नाम है वहां पर, और अभी अभी इनके नाम पर नासा का नाम रख दिया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले भारत को कौन सी जगह मिला है? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 77th इनको प्लेस मिली है इंडिया को, क्योंकि वहां पर काफी जनों का, जो काफी लोग थे उनका ब्लॉक किया गया है, जिससे वहां पर अब धीरे धीरे स्विस बैंक के अंदर जो बड़े बड़े लीडर्स या जो बड़े बड़े करप्टेड आदमी है, उन्होंने अपना वहां पर अकाउंट्स बंद कर लिए, क्लोज कर लिए, या जिनका भी है तो वहां पर और पैसा जमा नहीं करवाते वो, अब वो, दैट्स वाई 77 रैंक पा चुकी है इंडिया की। फिर चलते हैं वर्ल्ड एमएसएमई डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जैसे आपको पता होगा लोकल फॉर वोकल है, और जो कोविड-19 के दौरान एमएसएमई के लिए स्पेशल इन्होंने पैसा मुहैया कराने की सोची गवर्नमेंट ने, तो इसका कौन सा दिन है जब इसके लिए हम स्टार्ट करा ये डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका जो एब्सोल्युटली राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 27 जून। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीत लिया है? तो ये है ऑप्शंस, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, चेल्सी या मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन बी, लिवरपूल। जी हां, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों को फीफा महिला विश्व कप जो 2023 की संयुक्त मेजबानी मिली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑस्ट्रेलिया ब्राजील बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऑस्ट्रेलिया आएगा तो वो साथ से ब्राजील कैसे जाएगा मैच देखने के लिए, बहुत लंबा सफर। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज रॉन्ग। कनाडा न्यूजीलैंड के साथ भी वही है, एक ईस्ट में है तो एक वेस्ट में है, और अमेरिका कोलंबिया भी थोड़ी दूरी पे ज्यादा पड़ेंगे, तो आप देखोगे जो बिल्कुल पास पास है ऑप्शन ए, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जी हाँ, नेक्स्ट,
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पशुपालन के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की है? ऑप्शन है यूपी, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक पाकिस्तान में किस शहर में पहला हिंदू टेंपल बनेगा? तो ये कहां बनेगा? ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस्लामाबाद। जी हाँ, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पहला हिंदू टेंपल देखने को मिलने वाला है यहां पर। किस देश में हाल ही में भारत के बाहर पहला योग यूनिवर्सिटी खुली है? जी हाँ, पहली योग यूनिवर्सिटी कहां खुली है हमारी? सऊदी अरब, चाइना, रूस या अमेरिका? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यूएसए। आजकल यूएसए थोड़ा चाइना के चक्कर में इंडिया के क्लोज आता जा रहा है, जो कि अच्छी बात है खैर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने हैं महाराष्ट्र के? तो नर्मल देवगन, संजय कुमार, अरविंद सिंधिया या प्रवीण सिन्हा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, किस राज्य ने हाल ही में वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार मिला है? जी हाँ, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? जैसे कि आपको पता होगा सबसे ज्यादा आपको जो विलेजेस मिलेंगे, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा विलेज मिलेंगे आपको? तो वन एंड ओनली आपका वो गांव, वो वाला जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी अभी रिपोर्ट आई थी 2019 की कि इंडिया में सबसे ज्यादा टेली डेंसिटी, अब आप बोलोगे टेली डेंसिटी क्या है, जहां पर सबसे ज्यादा आपको फोन उपभोक्ता मिलेंगे, टेली डेंसिटी टेलीफोन का मतलब आपको गहनता मिलेगी देखने को, तो बहुत कम पॉपुलेशन है वहां पर, उसके बावजूद आपको टेली डेंसिटी भी सबसे ज्यादा मिलेगी, और वो कहां पर मिलेगी आपको? उसका आंसर हिमाचल प्रदेश है, जो अपने आप में एक अद्भुत निराला है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। हां जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मधुवंती दांडेकर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो, मतलब इकट्ठे खेलो इकट्ठे पढ़ो नामक योजना शुरू की है? तो जी हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, और आप देखोगे सभी के सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट ही हैं, लेकिन जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कुशीनगर यूपी का कौन सा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा? जी हाँ, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये यूपी का कौन सा एयरपोर्ट बनने वाला है? तो ये बनने वाला है फोर्थ, ऑप्शन बी। तो आपने मुझे बताना है यूपी का फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा था, आपने मुझे कॉमेंट में बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हाल ही में किसे मेरिलबोन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन है अंजुम चोपड़ा और हैदर नाइट, क्लेयर कोनोर और मैग ग्लैनिंग। तो इसका आंसर आएगा हमारा क्लेयर कोनोर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, क्लेयर कोनोर इज राइट आंसर। अगर मैं बात करूं इनकी, तो इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम थी फीमेल की, उसकी पूर्व मतलब ये पूर्व कप्तान रह चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात 223 इयर्स की हिस्ट्री में ये इंग्लैंड की फर्स्ट फीमेल हैं जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों, ये जो एग्जाम आप कोई भी देखो, चाहे रेलवे का हो, चाहे हिमाचल PCS की बात की जाए एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की, या आपका हिमाचल के अंदर जो बैंकिंग का एग्जाम होगा, कोऑपरेटिव जो कोऑपरेटिव बैंक का सोसाइटी का एग्जाम होगा, या बात की जाए आपका एलाइड के लिए, तो लास्ट 6 मंथ ये जनवरी से लेकर हमारे
इस जून तक के एग्जाम जितने भी मतलब 6 मंथ का है ये सारा करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये, तो इसको आप जरूर देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए एग्जाम के अंदर। और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कोई भी आपका डाउट क्वेरी क्वेश्चन, और सब्सक्राइब ऑल्सो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई नामक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो जी हाँ, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है राजस्थान, वही चलाएंगे, भाजपा वाले नहीं चलाने वाले। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पूर्णिमा जनेन का डेथ हो गई, वह किस स्पोर्ट से रिलेटेड थी? तो इसका आंसर है वो थी हमारी निशानेबाजी से, यस निशानेबाजी से, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कौन से स्टेट से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेल देव नामक पुस्तक का विमोचन हुआ जिसके लेखक कौन हैं? तो ये है मेघना पंत या अवलोक लंगेर, अमीश त्रिपाठी या कनिष्क थरूर? तो इसका आंसर है हमारा अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाल ही में COVID-19 के लिए कोरोनिल, ये बताइए होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहा, अभी अभी करंट का है ये, और इसका आंसर आएगा हमारा पतंजलि, जो बाद में कैंसिल कर दी गई क्योंकि जो अधिकरण यूके की जो लाइसेंस वितरित करती थी, डिस्ट्रीब्यूट करती थी, उन्होंने बोला ये सिर्फ सर्दी खांसी से ऊपर कुछ भी नहीं है। चले जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में कौन भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधनों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संघ परमिया के नए प्रमुख बने हैं? तो मैं आपको ये बता देता हूं सबसे पहली बात कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, PRMIA की, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन। अब इसके कौन बने हैं प्रमुख, तो वो है हमारे नीरकर प्रधान, जी हाँ ऑप्शन सी। तो ये बने अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख बने हैं? तो इसका कौन सा है, ये ऑप्शन है एडम जॉनसन, मिनाको प्रेस, रेमंड बुफेट या लॉरेंट बैकलीवेट? तो अगर मैं इसकी बात करूं जी हां, इसका जो आंसर है वो है लॉरेंट बैकलीवेट, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस भारतीय को हाल ही में वर्ष 2020 का जर्मनी का फेमस पीस प्राइज मिला है? तो ये हमारे इकोनॉमिस्ट है इंडिया के, इससे सभी आप जानते भी होंगे, ये कोई और नहीं ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, और इनको जो ये प्राइज दिया गया वहां की जो बुक ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी की, उन्होंने दिया है। और किस चीज के लिए, सामाजिक न्याय के ऊपर जो बल इन्होंने दिया, जो ये पास से लेकर अब तक देते आ रहे हैं, उस चीज के लिए अमर्त्य सेन को यह प्राइज दिया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पूरे प्रतिवर्ष दुनिया भर में ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो अगर आपने मेरा वीडियो जरूर देखा होगा तो आप इसका आंसर बहुत प्यार से दे दोगे, बहुत इजी से तरीके से। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 23 जून। जिस भी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देखना 23 जून, जो ओलंपिक वर्ल्ड ओलंपिक डे के ऊपर ये वीडियो है, बहुत छोटा सा, आपको देखकर सारी चीज समझ में आ जाएगी, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो जरूर ये वीडियो देखिएगा। और मैं आपको कमेंट सेक्शन में ये जो हमारे उसमें है, मैं आपको ये इसका लिंक भी शेयर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE के किस मान खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इससे बचपन जुड़ा हुआ होगा, आपने जरूर कभी ना कभी WWE, उस टाइम इसका WWE का WWF नाम होता था, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, बट राइट नाउ इसको एंटरटेनमेंट कर दिया फेडरेशन की जगह पे। तो अभी किसने संन्यास लेने की बात की है, तो वो बात हुई है हमारी ऑप्शन ए अंडरटेकर, जो मर जाते थे फिर से आ जाते थे, जो भी है स्क्रिप्टेड जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वीडो डे हर साल कब मनाया जाता है? नेचुरली ये भी जून को ही मनाया जाता होगा, लेकिन जो इसका आंसर है वो भी आपका वर्ल्ड ओलंपिक जो डे सेलिब्रेट करते थे उसी तारीख को, जी हाँ 23 जून को। तो इसका आंसर है
ऑप्शन ए 23 जून। अब हम चलते हैं, कौन भारतीय मूल का वैज्ञानिक हाल ही में शीर्ष अमेरिकी संस्था NSF के निदेशक बने हैं? NSF इसकी फुल फॉर्म है नेशनल साइंस ट्रस्ट। तो इसके कौन बने हैं? इसके बने हैं सेतु रामन पंचनाथन। जी हां, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड म्यूजिक डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये म्यूजिक डे, आप सोच लो म्यूजिक डे कब सेलिब्रेट करेंगे हम, जब सबसे लंबा दिन होगा, जब टाइम पास नहीं होगा। सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून। इसी को हम योग डे भी सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही है कि इंटरनेशनल योगा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये भी 21 जून को ही है। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, हम हर साल कब मनाते हैं रिफ्यूजी डे? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 20 जून को। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार मुताबिक भारत वर्ष 2021 के किस मंथ के लिए UNSC का हेड बनेगा? अब बात आती है कि UNSC की फुल फॉर्म क्या है। तो यहां की मैं बता देता हूं आपको, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब बात आती है किस मंथ हम इसके इंडिया इसका हेड बन जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी अगस्त मंथ में आपको इंडिया जो है UNSC का हेड बनता हुआ दिखेगा। और धीरे धीरे इंडिया पावरफुल होता जा रहा है, उससे ये भी पता चलते हैं क्योंकि इसके पक्ष में काफी कंट्रियों ने वोट डाले थे। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये आपका 6 मंथ का है, जिसमें आज के मैंने 40 क्वेश्चन डाले। ऐसे हम रोज टोटल 500 क्वेश्चंस तक लास्ट 6 मंथ के आपके सामने लाएंगे, ताकि आपका हर एग्जाम में, चाहे वो कोई एग्जाम हो, आपको उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके और आप अपनी मंजिल को पा सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।